हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाइनएप्पल का रायता बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही यमी और डिलीशियस बनता है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर ये पाइनएप्पल्स जो हैं उसके स्लाइसेस ले लिए हैं, और ये मैं पाइनएप्पल जो यूज़ कर रही हूँ, ये मैं जो पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ वो डेल मोंटे का कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया लगती है। इसमें सिरप जो होता है, सिरप के अंदर डिप किया हुआ होता है, जो मीठा सिरप होता है उसके अंदर डिप किए हुए स्लाइसेस होते हैं पाइनएप्पल के, आप देख सकते हैं इसके अंदर स्लाइसेस हैं। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, आप जिस मर्जी शेप में चाहे उसमें काट सकते हैं। और उसके बाद हमको चाहिए दही, यहाँ पे मैंने इतनी दही ली है, और आप जितना चाहें उतनी क्वांटिटी, आप जितना चाहें उतनी क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जितना पाइनएप्पल चाहिए उतना लीजिए, जितनी दही चाहिए उतनी लीजिए। और अब इसके अंदर हम जो है शुगर ऐड करेंगे, जितना आपको स्वीट मीठा इसको करना है उतनी शुगर ऐड करेंगे। और मेरी दही जो है वो काफ़ी गाढ़ी है, तो उसको पतला करने के लिए हम लोग ये जो सिरप है इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्वीटनेस भी होती है। तो इस सिरप को ऐड करेंगे जितना भी हमें गाढ़ा करना उस क्वांटिटी में। और उसके बाद अब मैं शुगर ऐड कर लूँगी इसमें, मुझे स्वीटनेस चाहिए उतनी मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड करी है, आप चाहे तो इसमें वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें ब्राउन शुगर ही ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और आपको याद रखना है कि इसमें इसको जो मिक्स करना है शुगर डाल के, वो आपको पाइनएप्पल डालने से पहले करना है, क्योंकि पाइनएप्पल डालने के बाद ही अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि शुगर ना अच्छे से डिसॉल्व हो जाए हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, इस पाइनएप्पल जो मैंने स्लाइसेस काट के रखे हैं उसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको अच्छे से हम हिला लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा पाइनएप्पल रायता जो है बनके तैयार है। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बनता बहुत ही डिलीशियस है। सो इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और भी इस तरह की रेसिपी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।